तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम केड़गांव आ चुके हैं, जो अपना प्लाईवुड का दुकान है उधर। तो उधर से हमें एक अभी लोकल आया है, तो ये लोकल भर के हमें जो अपना अहमदनगर में कोटला स्टैंड है उधर जाके खाली करना है। तो चलो अपना गाड़ी अभी लोडिंग करते हैं, उसके बाद वो कोटला स्टैंड पर जाके खाली करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अपना गाड़ी लोड करके अभी हम निकल चुके हैं, अपना जो कोटला है उधर जाके खाली करना है गाड़ी हमें अहमदनगर में। तो इधर से 5-6 किलोमीटर है केड़गांव से, तो चलो पहुँचते हैं अभी उधर। लोकल भाड़ा है ये, तो दोस्तों देख सकते हैं अहमदनगर का ब्रिज है जो अभी हाल ही में बना है। तो इधर से नज़ारा देख सकते हैं कैसा है, तो थोड़ा ब्रिज का साफ सफाई भी चल रहा है। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं अपना साइड पे, और अपना गाड़ी भी अभी अनलोड हो रहा है देख सकते हैं आप। तो चलो अभी फटाफट अनलोड करके निकलते हैं और देखते हैं और कुछ भाड़ा आता है क्या। वापस से केड़गांव की प्लाई की दुकान पर जाके रुकेंगे। तो दोस्तों, अपनी गाड़ी खाली करके अभी निकल चुके हैं हम, तो अपना कोटला है उधर से। तो चलो पहुँचते वापस केड़गांव, देखते हैं और कुछ भाड़ा आता है क्या। तो जाते टाइम हम नीचे से जा रहे हैं ब्रिज के, अभी सिटी में से आते टाइम हम ऊपर से आए थे ब्रिज के ऊपर से। चलो अभी चलते। तो दोस्तों, अभी हम केड़गांव आ चुके हैं वापस से। तो एक कस्टमर आया है जो कि शेवगांव से, तो वो देख रहा है मटेरियल। तो अपना भाड़ी का बात हो चुका है, अगर उसको मटेरियल पसंद आता है तो अपना गाड़ी लोडिंग करके शेवगांव जाने वाला है। तो देखते क्या होता है चलो। तो अगर मटेरियल तो मेरे हिसाब से पसंद ही आएगा मटेरियल, क्योंकि अच्छा है प्लाईवुड का। तो दोस्तों, अपना गाड़ी अभी शेवगांव के लिए लोडिंग हो रहा है, तो अभी देखते हैं कितना लोड है। लोड तो ज़्यादा नहीं, लगभग 1 टन के आसपास है। तो अभी चलो फटाफट लोड करके जाएंगे लेके शेवगांव। तो अपना गाड़ी भी लोडिंग करके अभी हम निकल चुके हैं, अभी अपना जो मुकुंद नगर है उसके पास आ चुके हैं। चलो अभी पहुंचते हैं, अभी सीधा औरंगाबाद हाईवे से जाना है, उसके बाद मीरी रोड में मुड़ना है। तो सबसे पहले अपना टैंक फुल करना पड़ेगा, तो चलो पहले पेट्रोल पंप चलते हैं। तो भाई आ चुके हैं पेट्रोल पंप, और अपना डीजल देखते हैं कितना बैठता है। तो अभी 1500 के आसपास हो चुका है, 1600, 1700, लगभग 1912 रुपये। तो दोस्तों, जूर के आगे आ चुके हैं अभी। चलो अभी पहुँचते सीधा अपना शेवगांव। अरे, हमें जो पांडे का पुल है उसके उतरने के बाद मेरी रोड पे लगना है। चलो लगते हैं मेरी रोड, पहुँचते शेवगांव। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी रोड है, तो इधर सब कॉटन का पेड़ लगते हैं, तो गन्ना हो ये वो चारे के लिए, बाकी कॉटन ज़्यादा उगता है इधर, कपास। चलो अभी पहुँचते शेवगांव। तो दोस्तों, अभी हम अपना शेवगांव है उधर पहुँचने वाले, तो
इधर से अंदर 1 किलोमीटर जाके गाड़ी खाली करना है, तो चलो अभी पहुँचते साइड पे और गाड़ी खाली करके निकलते। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों आ चुके हैं अभी साइड पे और देख सकते हैं अपना गाड़ी भी हो रहा है खाली। चलो अभी फटाफट गाड़ी खाली करके निकलते हैं अहमदनगर। तो वापस 65-70 किलोमीटर पास करके अपना घर पहुंचना है हमें। तो दोस्तों अभी अपना गाड़ी खाली करके हम वापिस से आ चुके हैं, जो कि अपना मीरी रोड है, इस रोड से जा रहे हैं अभी आप। तो चलो पहुँचते हैं अभी। तो अभी लगभग शाम के 6:30 बज चुके हैं, तो अपने को घर जाते जाते 8 बज जाएंगे। चलो पहुँचते आराम आराम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी हम मीरी गांव के पास पहुंचने वाले हैं। तो अभी मीरी के पास से हमें 50 किलोमीटर जाना है अहमदनगर, 45-50 है आसपास है, ऐसा कुछ बढ़ता है। तो चलो अभी पहुंचते, रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। तो भाई हाँ, शाम का नज़ारा देख सकते हैं, मस्त नज़ारा इधर से आ रहा है, सूरज चमक रहा है। तो अभी हम वापस से औरंगाबाद हाईवे पर लग चुके हैं। अभी 10 पांडे के पुल से 25 किलोमीटर बाकी है अहमदनगर, हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। तो अभी हम अहमदनगर पहुंच चुके हैं। आज का अर्निंग का बात करते हैं। तो आज जो हमने सेवगा का भाड़ा किया है उसका 2200 रुपये लिया है, और जो सुबह लोकल किया था उसका 400 रुपये लिया था। तो आज का ब्लॉग इधर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।